नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सिटी चला थॉमस। सो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आज मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिला जो यूट्यूब में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू के बारे में, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में बनाया है, फिलहाल इनोग्रेट नहीं हुआ है। सो मोदी सरकार ने बनाया है, शायद अच्छा है बुरा है चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो फिलहाल मैं अब तक देखा नहीं, मैं जो देखने जा रहा हूँ। चलिए आप सब मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल को। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना प्लीज़। और मैं आज इसको रिव्यू देने जा रहा हूँ स्टैचू कि कुछ क्या अच्छा है क्या बुराई है, मैं बताने जा रहा हूँ। Russia, Statue of Liberty, USA, 93 meters. Unosiki Divers 2, Su, Japan. Spring Temple, Buddha, China. It's 182 meters. And it is divided in Indian. Unity of Statue. Not a small deal, man. बहुत ज़्यादा रकम है ये, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको कहीं पर अच्छे जगह पर अच्छे लोग गरीब लोग पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सब अमीर हो सकते हैं। स्टैचू इज डेडिकेटेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंट वुमेन लीडर सरदार भाई बल भाई पटेल। My comment is word for the common man, our priority is the poor of the countries. इन्वेस्ट कर दे स्टैचू बनाने में, अगर उस पैसे को आप कहीं गरीब लोग को पॉवर्टी को आप उसकी डेवलपमेंट में लगा होता तो मे भी आप सही जगह लगाया है। हम नहीं बोल रहे आप गलत जगह पर लगाया है। टाइम्स मेरा कहने का मतलब है इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। सो ये 31 को इनोग्रेट होगा। सो अभी आप सब देख ही लेंगे उस समय तक। लेकिन स्टैचू जो है बड़े अच्छे बनाया है, बहुत बहुत लाख अरब रुपये खर्चा करके बनाया है, तो अच्छे ही बनेंगे। जब पैसे अच्छे होंगे तो अच्छे ही बनेंगे ना। सो मोदी गवर्नमेंट स्टैचू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लोगों पर ध्यान देना चाहिए। वो बोला ही है वो कॉमन मैन के लिए है। सो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ कि शायद उसको स्टैचू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे के ये पर देना चाहिए। तो होप टू लाइक माई वीडियो।